दो कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके स्वप्निल को साले को सम्मानित किया। और इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि मनु भाकर की उपलब्धियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। She became the first Indian to win two medals in a single Olympics. Manu, every Indian feels inspired and every girl in India feels empowered by your achievements. ओलंपिक्स में एक और पदक पक्का हो गया है और ऐसा हिंदुस्तान की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट ने तय किया है। दरअसल 50 किलोग्राम भार वर्ग में महिला कुश्ती में ओलंपिक्स में फाइनल्स में पहुंच चुकी हैं और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। विनेश ने क्यूबा की यूसनेलियस गुजमेन लोपेज को हराया और यूसनेलियस गुजमेन लोपेज को 5-0 से उन्होंने मात दी और सोना जीतने की ओर एक और दमदार कदम उन्हें बढ़ा दिया है। फाइनल्स में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा इन हिल्डेब्रांड से होगा और जो एक बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जबकि 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का पदक जीत चुकी हैं और विनेश फोगाट की दावेदारी प्रबल है, हौसले बुलंद।